बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे जोड़े हैं काबों के जिनका हासिले ज़रब मुमकिन है, जिनको ज़रब किया जा सकता है। इनको ज़रब करना नहीं, सिर्फ हमें बताना है कि किस किस को ज़रब किया जा सकता है। तो उसके लिए ये शर्त होती है कि आपके पास दो कालम होते हैं, एक दाएं तरफ होगा एक बाएं तरफ होगा, बाएं वाले के कॉलम और दाएं वाले की कतारें, या फिर ऐसे कह लें कॉलम और रोज। अगर ये इक्वल हो जाएं तो फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो देखते हैं कि ये फार्मूला किस किस पे अप्लाई होता है। तो बाएं तरफ कॉलम, दाएं तरफ रोज, इसके कॉलम कितने हैं? इसके कॉलम बनते हैं जनाब दो कॉलम हैं। ये जो सर्कल है सवाल का हिस्सा नहीं होते, ये समझाने के लिए लगाए जाते हैं। तो इसकी कतारें कितनी हैं? कतारें देखें तो कतारें भी इसकी दो बन रही हैं। इसका मतलब है दो कॉलम और दो कतारें इक्वल है ये, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का हासिले ज़रब मुमकिन है। इसी तरह से अब इधर आ जाते हैं, इनमें देखें तो अभी हमारे पास इसमें कॉलम देखेंगे, इसमें कॉलम कितने हैं? एक एक वाला कॉलम, माइनस वन और ज़ीरो वाला कॉलम, इसमें दो कॉलम है। अब इसमें कतारें देखें, इसमें दो कतारें हैं, इनका भी हासिले ज़रब मुमकिन है। अब ये तीसरी जुज़ पे आ जाएं, इसके अंदर एक कॉलम है, एक और माइनस वन वाला, जबकि दाएं तरफ देखें तो दो कतारें हैं। इसका मतलब है कि इसके कॉलम और कतारें जो हैं इनकी बराबर नहीं, इस वजह से इनका हासिले ज़रब जो है वो नामुमकिन है। तो ये तरीका चेक करने का कि क्या इन कॉलमों के जोड़े का हासिले ज़रब मुमकिन है या नहीं। बाएं तरफ वाले की के कॉलम, दाएं तरफ वाले की कतारें, बाएं तरफ वाले के कॉलम, दाएं तरफ वाले की रोज़, ये बराबर हो जाएं तो हासिले ज़रब मुमकिन है, वरना नहीं। अब हम क्वेश्चन टू देख रहे हैं, इसके अंदर देखें तो कहता है कि फाइंड ए बी। ए बी का मतलब है कि ए और बी कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फाइंड ए बी। और दूसरा कहता है कि बी ए इफ़ पॉसिबल, तो पहले ए बी लिखते हैं और ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू, पहले ए वाला कॉलम लिखें 3, 0, -1, 2, और बी वाला कॉलम अब लिखें 6 और 5। इनका हासिले ज़रब मुमकिन है, इसके अंदर दो कॉलम हैं और दो ही कतारें हैं दाएं तरफ। बाएं तरफ दो कॉलम, दाएं तरफ दो कतारें, इसका मतलब है बाएं तरफ वाले कॉलम दाएं तरफ वाली कतारों के बराबर हैं, तो ये ज़रब हो सकते हैं। अब इनको ज़रब करते हैं, पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब करते हैं। तो जब कतार को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है या ज़रब करना है तो कतार का भी पहला और कॉलम का भी पहला, 3 ज़रब 6 होगा। प्लस अब कतार का दूसरा हिस्सा, कॉलम का भी दूसरा हिस्सा, 0 और 5, 0 मल्टीप्लाई 5। हमने क्या किया, ये गौर से समझने वाली बात और बड़ी अहम बात है। पहली कतार को कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को, यानी कि कतार का पहला और कॉलम का भी पहला, कतार का दूसरा कॉलम का भी दूसरा। इसी तरह आप दूसरी कतार को मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम से, तो कतार का पहला तो कॉलम का भी पहला, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह कतार का दूसरा कॉलम का भी दूसरा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक कतार और एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है जिस तरह ये हुआ, तो वो मिलके एक एलिमेंट बनता है। तो अब देखें ये एक एलिमेंट कैसे बनेगा। तीन 6 बार 18, 5 ज़रब 0, 0, 6 और 1 बार नफ़ी 6 और 5 2 बार 10, 18 जमा 0 18, 10 में से 6 निकला तो 4। ये हमने ए बी फाइंड कर लिया है, अब हमने बी ए फाइंड करना है। तो बी ए के लिए लिखेंगे पहले, पहले बी वाला कॉलम लिखें वो कौन सा है, 6 5, फिर ए वाला लिखें 3 0 नफ़ी 1 और 2। अब बी ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखेंगे कि बाएं वाले के कॉलम और दाएं वाले की कतारें बराबर हैं, बाएं में एक कॉलम और दाएं में दो कतारें। तो बाएं वाले में एक कॉलम, दाएं वाले में दो कतारें, इसका मतलब है कि इसके कॉलम और इसकी कतारें ये आपस में बराबर नहीं। इसका मतलब है कि बी ए का जो है वो प्रोडक्ट, हम लिख देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ
बी ए इम्पॉसिबल, इसको हल नहीं किया जा सकता, यानी कि बी ए का हासले ज़रब नामुमकिन है। अभी मैंने क्वेश्चन थ्री के दो पार्ट्स लिखे हैं, तो इनको हम हासले ज़रब इनका भी मालूम करना है, प्रोडक्ट हमने मालूम करना है इनका, तो कैसे मालूम करेंगे? तो इसके अंदर एक ही रो है और इधर एक ही कॉलम है, तो एक रो एक कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो जस्ट हमारे पास एक एलिमेंट सिर्फ आएगा, कॉलम इस तरह का आएगा सिंगल एलिमेंट वाला, जो भी उसके अंदर एलिमेंट होगा। तो एक कतार को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करें, अब कतार का पहला कॉलम का भी पहला, चार एक बार एक ज़रब चार कर लेते हैं, इस तरह कतार का भी दूसरा कॉलम का भी दूसरा, दो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो चार जमा दो ज़ीरो बार ज़ीरो, तो ये हमारे पास आ गया चार। तो ये देखें हमारे पास एक एलिमेंट आ गया। इसी तरह इसके दूसरे पार्ट को भी जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो फिर भी हमारे पास एक ही एलिमेंट आना है, तो रो का पहला कॉलम का भी पहला एक ज़रब पाँच, रो का दूसरा और कॉलम का भी दूसरा, तो पाँच एक बार पाँच, ये ब्रैकेट ज़रूरी है क्योंकि ये कॉलम है, पाँच एक बार पाँच, चार दो बार, अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस माइनस एट, तो यहाँ पे आ गया माइनस थ्री। अब ये क्वेश्चन थ्री का पांचवा पार्ट है और इसके अंदर देखें तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि क्या इसका प्रोडक्ट मुमकिन भी है कि नहीं। प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं मुमकिन है या नहीं? इधर देखें कॉलम कितने बन रहे हैं, ये दो कॉलम हैं एक दो, कतारें इधर कितनी हैं एक और दो, इनका तो प्रोडक्ट मुमकिन है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसकी पहली रो लेकर पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को जब पहले कॉलम से करेंगे तो चार एक बार चार आएगा प्लस टू ज़ीरो ज़ीरो। अब पहली रो को पहले कॉलम से कर रहे हैं तो रो का भी पहला कॉलम का भी पहला, यानी कि चार एक बार चार, तो अब रो का दूसरा दो कॉलम का दूसरा ज़ीरो, दो ज़ीरो बार ज़ीरो। तो ये एक हमने रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो वन को फाइव से करें तो फाइव आ गया, टू को फोर से करें तो माइनस एट आ गया। हमने क्या किया, पहली रो को बारी बारी दोनों कॉलमों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी रो को दोनों कॉलमों से, फिर तीसरी रो को दोनों कॉलमों से, दूसरी रो को दोनों कॉलमों से करते हैं, माइनस थ्री को फोर से करें तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई फोर, चार तीन बार बारह आएगा और माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास आ गया माइनस ट्वेल्व, और प्लस ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो आ गया। कतार का भी पहला कॉलम का भी पहला, कतार का दूसरा कॉलम का दूसरा, अब कतार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब कतार को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो पाँच तीन बार माइनस पंद्रह और ज़ीरो, और चार को करें तो प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो। अब दो कतारों को हमने कॉलमों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब तीसरी कतार को दोनों कॉलमों से करेंगे, छः चार बार चौबीस और माइनस वन को ज़ीरो से करें तो माइनस ज़ीरो, माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसी तीसरी कतार को दूसरे कॉलम से करें, छः पाँच बार तीस, माइनस फोर को माइनस माइनस वन को माइनस फोर से करें तो प्लस फोर आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे एक स्टेप और, चार जमा ये सारे जो हैं, चार जमा ज़ीरो ज़ीरो, माइनस बारह और ज़ीरो माइनस बारह, चौबीस माइनस ज़ीरो चौबीस, पाँच नफ़ी आठ नफ़ी तीन, पंद्रह नफ़ी पंद्रह नफ़ी ज़ीरो नफ़ी पंद्रह, तीस और चार चौंतीस, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तरीका है, अगर ज़्यादा रोज ज़्यादा कॉलम हों तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ये जो तीसरा सवाल है, इसकी पहली दो चीज़ें मैंने की थी और तीसरी चौथी सेम थी बिल्कुल पहली दो की तरह, इसलिए वो छोड़ दी और मैंने पाँच ही कर दिए। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 4 का बी पार्ट करने लगे हैं, तो ए पार्ट जो है वो पिछले क्वेश्चन 3 के 5 पार्ट की तरह सेम है, तो अभी बी पार्ट करते हैं इसका। तो इसमें भी देखें, पहले हम चेक करें मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है कि नहीं। इसमें कॉलम कितने हैं, तीन है, इधर कतारें कितनी हैं, तीन है, मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब मल्टीप्लाई करें तो पहली कतार को पहले कॉलम से, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम से, और आपको बताया हुआ है कि जब एक कतार और एक कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं तो मिलके एक एलिमेंट बनता है नए कॉलम का, तो जब ये तीनों इनसे इन तीनों हिस्सों से मल्टीप्लाई होंगे तो एक एलिमेंट बनेगा, एक एक बार एक,
अब कतार का पहला, कॉलम का पहला, अब कतार का भी दूसरा, कॉलम का भी दूसरा, दो तीन बार छः, अब कतार का तीसरा, कॉलम का भी तीसरा, तीन एक बार नफी तीन, ये माइनस की वजह से माइनस आ गया, वैसे प्लस ही आता है। अब पहली कतार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली कतार को दूसरे कॉलम से करें, एक दो बार दो, दो चार बार आठ, तीन एक बार तीन। अब हम पहली कतार को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब दूसरी कतार को लेते हैं और इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कतार का पहला, कॉलम का पहला, चार एक बार चार, पाँच तीन बार पंद्रह और छः एक बार नफी छः। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से करेंगे, चार दो बार आठ, पाँच चार बार बीस और छः एक बार छः। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, छः और एक सात, सात में से तीन निकालें चार, आठ और दो दस और तीन तेरह, पंद्रह और चार उन्नीस, उन्नीस में से हम छः निकालेंगे तो उन्नीस में से छः निकालें तो हमारे पास तेरह बचेगा, बीस और आठ अट्ठाईस, अट्ठाईस और आठ चौंतीस। तो ये ऐड करना यहाँ पे आसान होता है, असल काम ये मल्टीप्लिकेशन है। जब आप रो को कॉलम से करते हैं तो रो का पहला, कॉलम का पहला, रो का दूसरा, कॉलम का दूसरा, रो का तीसरा, कॉलम का तीसरा, बस ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग बन जाए तो मल्टीप्लिकेशन ये मुश्किल नहीं है। अब ये क्वेश्चन फोर का डी पार्ट करते हैं, ये थोड़ी सी दो मल्टी पार्ट इसके मुख्तलिफ थे, बाकी इसका लास्ट पार्ट भी सेम है। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, आठ दो बार सोलह, अब रो का दूसरा, कॉलम का भी दूसरा, पाँच चार बार माइनस बीस। अब पहली रो को अब दूसरे कॉलम से करेंगे, ये बटा था इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ पे। तो आठ को माइनस पाँच बटा दो से जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाँच बटा दो, टू फोर ज़ार एट आ जाएगा, और फोर फाइव से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी और माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब है कि एट को जब हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो माइनस ट्वेंटी आ गया, अब फाइव को फोर के साथ करें तो हमारे पास फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी। इसी तरह से आप दूसरी रो को पहले कॉलम से करें, छः दो बार बारह, चार चार बार माइनस सोलह। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करें, छः को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे बटे वाली रकम से तो दो तीन बार छः, तीन पाँच बार पंद्रह, माइनस प्लस माइनस। तो छः को माइनस पाँच बटा दो से मल्टीप्लाई किया तो पंद्रह आ गया, चार चार बार जमा सोलह। अब सोलह नफी बीस हमारे पास माइनस चार आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह चौदह में से सोलह में से बारह निकलेगा तो हमारे पास माइनस चौदह आएगा, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ज़ीरो बच गया। पंद्रह में से ये सोलह में से पंद्रह निकला तो हमारे पास एक बच गया, ये हमारा आंसर आ गया। अभी हम क्वेश्चन फाइव का जो है वो फर्स्ट वाला पार्ट करने लगे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वेरीफाई करें कि क्या ए बी और बी ए बराबर हैं कि नहीं। तो ए बी पहले फाइंड करेंगे फिर बी ए फाइंड करेंगे और दोनों के आंसर इक्वल होने चाहिए, या कह लें कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है, बी ए को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है, ए बी का और बी ए का दोनों के प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए। पहले ए बी का प्रोडक्ट मालूम करते हैं, माइनस वन थ्री टू ज़ीरो, तो बी है हमारे पास, ये कॉलम मैंने लिखे हुए, सी कॉलम भी है वो मैंने भी नहीं लिखा, एक दो माइनस तीन और माइनस पाँच। तो इनको मल्टीप्लाई करें, पहली रो को पहले कॉलम से करें, माइनस वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस नाइन। पहली रो को दूसरे कॉलम से करें, माइनस वन और टू माइनस टू, थ्री और माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करें, टू वन ज़ार टू, और ज़ीरो को माइनस थ्री से करें तो ज़ीरो आ गया, टू टू ज़ार फोर, और ज़ीरो को माइनस फाइव से करें तो ज़ीरो आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस वन और माइनस नाइन, वन नाइन माइनस टेन, माइनस टू माइनस फिफ्टीन माइनस सेवनटीन, टू प्लस ज़ीरो टू, फोर प्लस ज़ीरो फोर, ये ए बी का आंसर आ गया। इसी तरह हम बी ए भी फाइंड करेंगे, और बी ए में और ए बी में क्या फ़र्क है, ए बी में ए पहले होता है बी बाद में आते हैं, और बी ए में बी पहले होगा और ए का लब जो है वो बाद में आएगा।
इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है उसी मेथड से और सेम आंसर आना चाहिए। तो ये पहली रो को पहले कॉलम से करें, माइनस वन टू टू आर फोर, माइनस वन और टू टू आर फोर। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करें, एक को तीन से करें तीन आ गया, टू को जीरो से करें प्लस जीरो आ गया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करें, माइनस थ्री और माइनस वन, ये हमारे पास प्लस थ्री आ गया। माइनस फाइव को टू से करें, ये हमारे पास माइनस टेन आ गया। इसी तरह से दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, माइनस थ्री और थ्री, ये माइनस नाइन आ गया। और फाइव को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चार में से माइनस वन और ये थ्री बचा, थ्री प्लस ज़ीरो, ये हमारे पास थ्री आ गया। माइनस टेन और थ्री जो है वो माइनस सेवन आ गया, माइनस नाइन और ज़ीरो माइनस नाइन आ गया। इसका मतलब है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, आंसर इनका सेम आता फिर इक्वल होते हैं, आंसर सेम नहीं आया, इसलिए हम लिखेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसी तरह दूसरे पार्ट में बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ए के साथ करना है, और इस साइड पे ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी के साथ करना है, और तीसरे पार्ट में बी प्लस सी को जमा करके आंसर को ए के साथ, और राइट साइड को कैसे करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए सी को करेंगे, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ए बी का और ए सी का, उनको जमा करेंगे, दोनों साइड इक्वल लेकर आनी है। अब हम क्वेश्चन सिक्स का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले एक साइड हल कर लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज इसको हल करते हैं। तो पहले कॉलम ए लिखें, माइनस वन टू थ्री ज़ीरो, ये हमारा ए कॉलम हो गया, साथ बी वाला वन, माइनस थ्री टू, माइनस फाइव। अब सारे का इकट्ठा ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वन और वन माइनस वन, थ्री थ्री माइनस नाइन। पहली रो को पहले कॉलम से किया, पहली रो को दूसरे कॉलम से करें, माइनस वन टू माइनस टू, थ्री फाइव माइनस फिफ्टीन। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करें, टू वन ज़ार टू, और ज़ीरो को माइनस थ्री से करें तो ज़ीरो। अब टू टू ज़ार फोर, और ज़ीरो को इससे करें तो ज़ीरो। ये हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी है, लेकिन ऊपर ट्रांसपोज अभी सेम है, एज इट इज चल रहा है। माइनस वन माइनस नाइन, नाइन माइनस टेन, माइनस सेवनटीन, टू फोर प्लस ज़ीरो फोर। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज लेंगे, पहला कॉलम पहली कतार पहला कॉलम बन जाएगी माइनस दस और माइनस सेवनटीन, दूसरी कतार दूसरा कॉलम बन जाएगी टू और फोर। ये हमारे पास आ गया ए बी ट्रांसपोज। अब हम करने वाले हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। उसके लिए पहले हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए, ए का लब कौन सा है, माइनस वन टू थ्री ज़ीरो, इसका ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज लेंगे, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम बन गई। इसी तरह बी का लब का ट्रांसपोज लें, अब बी ट्रांसपोज में क्या होगा, पहली कतार का पहला कॉलम, दूसरी कतार का दूसरा कॉलम। तो हमने ए ट्रांसपोज भी मालूम कर लिया और बी ट्रांसपोज भी मालूम कर लिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज की रकम लिखे कौन सी है, माइनस वन टू थ्री और ज़ीरो, ये वाली लगानी है, सॉरी बी ट्रांसपोज ये वाली लगाएंगे, वन माइनस थ्री, टू माइनस फाइव। अब ए ट्रांसपोज की लिखें तो माइनस वन टू थ्री और ज़ीरो, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। पहली कतार को पहले कॉलम से, माइनस वन और माइनस नाइन, पहली कतार को दूसरे कॉलम से, तो वन टू ये टू, माइनस थ्री ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से, टू को माइनस वन से करें माइनस टू, फाइव को करें माइनस फिफ्टीन। दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से, टू टू ज़ार फोर, और फाइव को ज़ीरो से करें ज़ीरो। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, माइनस वन और माइनस नाइन माइनस टेन, टू प्लस ज़ीरो टू, माइनस टू माइनस फिफ्टीन माइनस सेवनटीन, फोर प्लस ज़ीरो
सॉरी फोर। तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। इट्स मीन के ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। इस क्वेश्चन सिक्स का दूसरा पार्ट भी सेम है। तो ये 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमने एक ही वीडियो में 1.4 जो है वो कम्प्लीट एक्सरसाइज कर ली है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो बिल्कुल सेम उन सवालों की तरह है जो मैंने किए हुए हैं। अगर जो किए हुए सवाल आपको समझ आ जाएंगे तो ये जो मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा।